बाकी आप लोग अभी करो 3 शीट।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज सम इज नॉट जीरो. अगर जीरो जाएगा तो इक्विपोटेंशियल कैसे बनेगा? तो अगर सम ऑफ चार्जेस है, जो भी चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो भी आएगा उसका कंसेंट्रिक क्या बनेंगे? स्फीयर्स ही बनेंगे. नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया? देखो आपको ना इसमें ये गिवन है कि कई इक्विपोटेंशियल लाइंस गिवन है, ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है तीनों में. आपको वर्क डन बताना है पॉइंट ए से बी पे जाने का. वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू नॉट क्या होगा? वी ए माइनस, सॉरी ए से बी पे जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर है. अब इसके अंदर वी बी और वी ए, फर्स्ट डायग्राम में वी बी की वैल्यू 40 है, वी ए की वैल्यू 20 है. सेकेंड में वी बी की वैल्यू कितनी है? 40 है. वी ए की वैल्यू कितनी है? 20 है. नेक्स्ट में वी बी की वैल्यू 40 है, वी ए की वैल्यू कितनी है? 20 है. तीनों में एग्जैक्टली सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों में सेम है तो वर्क डन की वैल्यू भी तीनों में एग्जैक्टली सेम आएगी. ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कितने लोगों समझ में आ गया ये? देखो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है. तो क्यू चार्ज की वजह से वी की वैल्यू इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे एग्जैक्टली सेम है. तो ये स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वी सेम हो गया इसमें. वो ये कह रहा है कि एक चार्ज को मैं ए से बी पे लेके गया, ए से सी पे लेके गया, ए से डी पे, ए से ई पे, तो बोलो किसका वर्क डन ज्यादा किसका कम? क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. अब ए का पोटेंशियल वी है तो बी का भी वी है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो. तो वर्क डन क्या है? जीरो. ए का और सी का सेम है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो. तो यानी कि सारे केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई क्या हो जाएगा? जीरो. तो पॉइंट समझ में आ रहा है. तो वर्क डन की वैल्यू इसमें क्या होगी? एग्जैक्टली जीरो. कोई डाउट इसमें? ठीक, तो सारे केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? जीरो. कोई डाउट इसमें? हाँ हाँ हाँ, मैं वेट ही कर रहा, मैं वेट अभी यही सोचने वाला था, मैं वेट कर रहा था. आप में से जरूर एक स्टूडेंट पूछेगा, दूसरे बैच में भी पूछा ये क्वेश्चन, इसने भी ये क्वेश्चन पूछा कि रास्ता ए से सी का, ए से डी का डिफरेंट है तो वर्क डन भी डिफरेंट होना चाहिए. नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है. तो इसके लिए आपको वापस अपनी उसी थ्योरी की शीट पे जाना पड़ेगा